सब्बो लइका मन ला जय जोहार। लइका हो, तुमन तो रद्दा मा रेंगत रेंगत स्कूल आत हो, त कभू रद्दा रेंगत रेंगत मेला जात हो, त कभू जंगल डहार के रद्दा मा तको रेंग देत हो। त ऐसने ही चल रे तुमा बाटे बाट कहानी मा हमन इही रद्दा के गोठला पढ़बोन। लइका हो, तुमन अपन घर मा कका दाई ममा दाई बाबा मन ले कतको किस्म के किस्सा कहानी सुने हो। किस्सा मा अब्बड़ मजा घलो आथे, फिर कहानी मा ज्ञान के गोट घलो रहिथे, एखर से हमन ला बड़ शिक्षा घलो मिलथे। ऐसन कहानी ला लोक कथा कहिथे। आवो, ये पाठ मा ऐसने हे एक ठन छत्तीसगढ़ी लोक कथा पढ़थन, जेमा एक झन सियनहिन डोकरी और ओखर बेटी के कहानी हवय। बेटी ह अपन दाई ला बघुआ भलुआ और चितवा ले बचाए बर का उपाय करथे तेला जानबुन। त चलो पढ़थन पाठ 17, चल रे तुमा बाटे बाट। तैहा के बात आय, तैहा मतलब बहुत दिन पहले, एक गांव मा एक झन टोकरी रहाय, ओकर रहाय एक झन बेटी, तेन ह अपन ससुराल चल दे रहाय। डोकरी के बेटी के गांव ह अब्बड़ दूरिया मा रहाय। डोकरी ला अपन बेटी के खूबे सुरता आवय। सुरता के हिंदी में अर्थ होते याद। फिर का करय, बेटी के ससुराल के रद्दा मा जंगल और पहाड़, तिहा बघुआ भलुआ और चितवा के माड़ा। बघुआ के हिंदी होते बाघ, भलुआ के हिंदी होते भालू, और चितवा के हिंदी होते चिता, और माड़ा के हिंदी अर्थ होते गुफा। डर के मारे रद्दा रेंगना घलो मुश्किल होय। मुश्किल ला हिंदी में का कहते, कठिन। एक दिन डोकरी हा अपन बेटी घर जाए बर सोचिस, बने बने रोटी पिठा बना लेस और मोटरी में बांध के चलते बनीस। जंगल भीतरी डोकरी बिचारी रेंगत रहाय। थोकिन दुरिया मा डोकरी हा बघुआ ला देख के कांपे लगिस। बघुआ हा तीर मा आथे और गुर्रा के कहते, अवो डोकरी, मोला गजब भूख लागत हे, मैं तोला खाहूँ। तो डोकरी कहते, बेटा देख तो, मैं हाँ जर बुखार में दुबरा गे हवाऊँ, अपन बेटी घर जावत हूँ, वहाँ ले बने मोटा के आहूँ, तब तैं हाँ मोला खा लेबे। बघुआ खुश होके कहते, हाओ हाओ बने कहा थस डोकरी दाई, जा झटकुन लहुटाबे। डोकरी लकर धक्कर रेंगिस तहाँ थक गे। लकर धक्कर इला हिंदी मा का कहते, जल्दी जल्दी। थोकिन सुरतैस, सुरतैस ला का कहते हिंदी में, सुस्ताना। फिर रेंगिस, रेंगते रेंगत उही रद्दा मा डोकरी ला फिर एक ठन भलुआ हा छेकलिस इला हिंदी मा का कहते, रोकलिस। भलुआ अपन चुंदी ला हला के कहते, एवो डोकरी दाई, मोला अब्बड़ भूख लागे हे, मैं तोला नहीं छोड़ू, तुला खाहूँ। तो डोकरी है कहते, सुन बेटा भलुआ, मैं अपन बेटी घर मोटाए बर जावत हूँ, वहाँ ले आहूँ तो मोला खा ले बे। भलुआ हा डोकरी के बात ला मान के ओला छोड़ दिस। डोकरी बिचारी आगू डहर रेंगिस। थोकिन दुरिया माँ चितवा संग भेंट हो गे। चितवा घलो खाहूँ कहिस, त डोकरी ओहूला समझाइस। चितवा घलो मान गे। रेंगत बैठत सुरतावत डोकरी अपन बेटी घर पहुंच गई। डोकरी ला देख के उकर बेटी अब्बड़ खुश हो गए। महतारी बेटी दोनों झन सुख दुख गोठियाई, बने बने खाई। डोकरी गजब दिन रह गए अपन बेटी घर। जब उकर मन भर गए, तब अपन बेटी ला कही थे, तोर घर रहत गजब दिन हो गए बेटी, अब मैं अपन घर जाऊँ। तब बेटी कही थे, आज भर और रही जा दाई, काली जुआर खा पी के बने बने चल देवे। डोकरी कहिस, का होही बेटी, एक दिन और रह जाऊँ, फिर मोला जाए बर हिम्मत नहीं हुआ थे, मैं हाँ
संसु फिकर में पड़ गई हूँ। का संसु फिकर में पड़े हस दाई, थोकिन महुला तो बताना, डोकरी की बेटी है पूछिस, और कुछ उपाय बताबे तो काम बन जाही बेटी, डोकरी कहिस। हाउ दाई, मैं हाँ तोला बने चुपाय बताऊं, बेटी है कहिस। तब डोकरी हा ऊपर सस्सी लेके कही थे, सुन बेटी, मैं हाँ जब तोर घर आवत रहे हो तो रद्दा माँ भगवा भलवा और चितवा मन मोला खाए बर छेके रहीन, ता ओ मनला मैं हाँ भूलवा रहे हूँ, बेटी घर ले मोटा के आऊँ तब मोला खा ले हूँ। वो तीनों जन मोरा गोरा माँ रद्दा देखत बैठे हुई, अब गोरा ला हिंदी में का कही थे, प्रतीक्षा अब मैं का कराऊँ, अपन दाई के बात ला सुन के बेटी कही, तय थोर को संसो फिकर झन कर दाई, थोकिन माँ डोकरी के बेटी है एक थान लंबा और बने चाक कर तुमा लाई, ओला बने खोल दिस, तीन थान छेदा कर दिस नाक और आँखी बर, वही तुमा माँ डोकरी खुसर गए। फिर रद्दा माँ ढुला के डोकरी के बेटी कही, चल रे तुमा बाटे बाट, अब तुमा हा रद्दा माँ ढुलत ढुलत जावत रहा। रद्दा माँ चितवा हा आगो मिलिस, चितवा हा तुम्हाला पूछिस, कस रे तुमा डोकरी ला तय देखे हस का, तुमा भित्री ले डोकरी कहिस, डोकरी देखे न फोकली, चल रे तुमा बाटे बाट, तुमा ढुलगत ढुलगत भालू डहर चल रिस। ढुलगत ढुलगत ला हिंदी में का कही थे, लुढ़कते लुढ़कते भलुआ डोकरी के अगुरा मारा है, तुमा ला देखिस तब पूछिस, ए जी तुमा तय डोकरी ला देखे हस का, डोकरी फिर कहिस, डोकरी देखे न फोकली, चल रे तुमा बाटे बाट। आखिर माँ बगवा घलो मिलिस, तुम्हाला उहो पूछिस, ता डोकरी हा फेर वो इसने है कहिस, डोकरी देखे न फोकली, चल रे तुमा बाटे बाट। तुमा संग ढुलगा ढुलगा डोकरी अपन गांव पहुँच गए, तहाँ तुम्हाला फटले फोर के डोकरी रहा है तेन मुस्कावत उड़ गई। तो लेका हो कैसे लगिस कहानी, मजा इसने ही हाँ इसने ही अक्कल लगा के कोनो भी समस्या के समाधान करे जाते, कतका सुंदर अक्कल लगाइस नहीं होकर बेटी है हाँ। तो चलो ये तो हुई इस कहानी, अब करथन अभ्यास कार्य। इमें प्रश्न पहला है, डोकरी के कई जन बेटी रहा है, एकर उत्तर का हो ही हाँ, एकर उत्तर है डोकरी के एक जन बेटी रहा है। अगला प्रश्न है, जंगल माँ कौन कौन जानवर के माड़ा रहा है, एकर उत्तर का है बताओ तो। चलो मैं बताता हूँ ठीक है, एकर उत्तर है जंगल माँ भगवा भलवा और चितवा के माड़ा रहा है। अगला प्रश्न है, डोकरी ला देख के कौन अब्बड़ खुश हो गए, कौन खुश हो गए रिस जी हाँ, एकर उत्तर है डोकरी ला देख के बेटी हा अब्बड़ खुश हो गए। अगला प्रश्न है, डोकरी अपन बेटी घर काबर गईस, एकर उत्तर है डोकरी अपन बेटी ले भेंट करे बर बेटी घर गईस। अगला है, भगवा हा डोकरी ला काबर छेक लीस, काबर छेके रही से हाँ, एकर उत्तर है भगवा हा डोकरी ला खाए बर छेक लीस। अगला प्रश्न है, खाले लिखाए वाक्य मनला ध्यान लगा के पढ़ाओ और लिखाओ, ये बात ला कौन हा काखर ले कहे है, वाक्य है कुछ उपाय बताबे तक काम बन जाही बेटी, ये बात ला कौन ला कहे रही से हाँ, ये बात ला कहे है दाई हा बेटी ला कहिस। अगला वाक्य, चल रे तुम्मा बाटे बाट, एला कौन कहिस, टोकरी हा तुम्हाला कहिस। अगला वाक्य है, अवो डोकरी मोला गजब भूख लागा थे, मैं तोला खाऊं, एला कौन ला कहे रही से बतावा तो हाँ, एकर उत्तर है भगवा हा डोकरी ला कहिस। अगला प्रश्न है, ई के मात्रा ले अंत होइया चार ठन स्त्रीलिंग शब्द लिखाओ, जैसे डोकरी ऐसने ही शब्द बनाना है ना, तो चलो बना थन बोकरी है नहीं, बोकरी स्त्रीलिंग है, टुकनी करसी और टुरी। तो लेका हो ये तो हुई अभ्यास कार्य, अब हमन
गृह कार्य करबो और गृह कार्य ला तुमन घर में बना के राखू हूँ, है ना। तो चलो प्रश्न लिखो। पहला प्रश्न है, ये पाठ मा कौन कौन जानवर के नाव आए है, तुमन उखर नाव बताओ। अगला प्रश्न है, कहनी मा आए पात्र मन के चित्र बना के रंग भराओ। अगला प्रश्न है, ये कहानी ला पढ़ के एक ठन नाटक तैयार करो और ओला कक्षा मा प्रस्तुत करो। तो लइका हो, तुमन किस्सा कहानी सुनत हो ना, ऐसने ही एक ठन किस्सा महु सुनात हूँ, ठीक है। बड़ा ध्यान ले सुनहू, ठीक है ना। कैसे कौन है अक्कल लगाते तेन ला। चलो तुम एक ठन किस्सा सुनात हूँ। एक झन राजा रानी रहा है, उखर एक के झन बेटी रहा है। अब बेटी हा बिहाव करे के लायक हो गई, तो राजा संसो फिकर मा पड़ गई। मोर अतिक सुघर अक्कल वाली बेटी बर वैसने हे राजकुमार कहाँ ले खोजूं। बेटी बड़ अक्कल वाली रहा है, वो हर राजा ला कहते, मोर स्वयंबर कराहू त राजकुमार मन के परीक्षा ले लूँ, जे परीक्षा में पास हो ही तेन ला वर चुनहूँ। राजा ला बात जमगे, वो हर मुनादी करा दिस। राजा मन ला पत्र भेजिस स्वयंबर बर औ शरत राखिस कि स्वयंबर मा खाली जवान राजकुमार और ओखर जवान सेवक मन भर आही, कोनो सियान ला छन लाही। राजकुमार मन स्वयंबर बरसक लागे, राजा उमन के जीवनास मा खाए बर भात दाल और कलेवा नहीं दिस, तकाय दिस खाए बर दिस पैरा और गुड़। और राजा कहवा दिस, जौन पैरा और गुड़ ला खाही तो उन्हें स्वयंबर के दरबार मा आहे। सब्बो राजकुमार मन पैरा ला कौन खाही कह के अपन अपन राज मा लहुड़ गए। फिर एक झन राजकुमार नहीं गिस, ओ हका करिस पैरा ला आगी मा बार के राखड़ बना लेते। राखड़ का के थे ला राख ला, राखड़ बना लेते और उही राखड़ ला गुड़ संग में मिला के खा लेते। राजकुमार के अक्कल ला देख के राजा बड़ खुश होते और अपन बेटी के बिहाव राजकुमार संग कर देते। तो लइका हो, सुग्घर अक्कल लगाइस नहीं राजकुमार है, हाँ। तो लइका हो, अगला प्रश्न ला चलो तो लिखाओ। तो अगला प्रश्न है, चल रे तुम्हा बाटे बाट जैसन और लोक कथा खोजाओ और अपन शब्द मा लिखाओ। तो लइका हो, ये तो रिस गृह कार्य, अब अगले कक्षा में हमार मन के भेंट होही। तो जय जोहार लइका हो।